Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about contents of sale contract. ठीक है, आज के video lecture में हम discuss करेंगे आपके subject business law में कि क्या content होते हैं sale contract में. ठीक है, previous वाले video lecture में हम sale contract के बारे में पढ़ चुके थे, एग्रीमेंट टू सेल पढ़ा था और एक डिफरेंस भी किया था हमने, डिफरेंस बिटवीन सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट टू सेल. ठीक है, तो कंटेंट्स में सबसे पहले आते हैं आपके गुड्स, जो कि डिस्कस्ड हैं आपके सेक्शन 2 में सब सेक्शन 7 में. गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब होता है किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेंस जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इसमें इंक्लूड्स होती हैं कुछ फॉलोइंग चीज़ें, जैसे कि आपकी स्टॉक हो गई, आपके शेयर्स हो गए, और ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जो आपकी फसल है, घास है, और वो चीज़ें जो अटैच्ड हो रही हैं फॉर्म करने में, जो पार्ट हैं किसी ज़मीन का और अग्रीड टू बी सर्व्ड हैं, चाहे वो सेल से पहले हों या अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. एग्जाम्पल्स होते हैं इस तरीके के गुड्स के, जो आपके पुराने रेयर कॉइन्स हो गए, जो बहुत पुरानी दुर्लभ सिक्के, स्टॉक शेयर्स, डिवेंचर्स, आपके गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्रीज टू बी कट एंड देयर लॉ, जो और उनके जो लट्ठे जो होते हैं ना, मोटी सी जो लकड़ी जो होती है, लॉग वुड डिलीवर. ठीक है, इस तरीके से. इसके अलावा ये एक्सक्लूडेड होता है उन गुड्स से जो इंक्लूड नहीं होते फॉलोइंग में. जैसे एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या हो गया? जो क्लेम हुआ किसी डेट के रिगार्डिंग, यानी कि कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी में जो अभी तक पोजेशन में नहीं है, ये क्लेम्स सोल्ड नहीं किए जा सकते, ना ही परचेज किए जाते हैं जैसे गुड्स को कर लिया जाता है. ये सिर्फ असाइन होते हैं. मनी, जिसका मतलब होता है लीगल टेंडर एंड नॉट द ओल्ड रेल कॉइन्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अब गुड्स का देखते हैं, गुड्स के कितने तरीके के टाइप्स होते हैं. तो टाइप्स ऑफ गुड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, वो मेड होता है ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर्टी को इन गुड्स में. इस सब्जेक्ट मैटर में जो पॉइंट है आपका गुड्स, वो कितनी तरीके के होते हैं इसको हम चार्ट में देखते हैं. फ्यूचर गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फिर आपके कंटिंजेंट गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स तीन टाइप्स के हुए हैं आपके. सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स. ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले आते हैं आपके फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुए हैं, प्रोड्यूस्ड हुए हैं, एक्वायर्ड किए गए हैं सेलर के द्वारा, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना लिया तब. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका फ्यूचर गुड्स का, यानी कि फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ये एग्रीमेंट टू सेल है केवल. ठीक है, ये नो सेल है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर गुड्स. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स अग्रीड टू सेल टू बाई, मतलब एक्स अग्री हो जाता है सेल करने के लिए बाई को ऑल द क्रॉप्स टू बी ग्रोन एट हिज फार्म. जो भी क्रॉप्स हैं जो ग्रोन होंगी उसके फार्म में इन हरियाणा ड्यूरिंग द ईयर 2000 सीजन फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 1 लाख. ये कब किया उसने एग्रीमेंट? उस सीज़न के दौरान जो 2000 में था, साल 2000 में जब कोई सीज़न आएगा उसके रिगार्डिंग, जो भी सीज़न के रिगार्डिंग किया हो उसने 1 लाख रुपये में. तो ये एग्रीमेंट हुआ सेल का फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग. ठीक है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल है फ्यूचर गुड्स, ना कि कोई सेल है. कोई सेल थोड़ी तुरंत पेमेंट थोड़े ना हुआ, ये फ्यूचर के रिगार्डिंग हुआ. तो यहाँ पर फ्यूचर गुड का मतलब है गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो ये हुआ आपका फ्यूचर गुड्स. क्लियर?
फिर नेक्स्ट आते हैं आपके एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स जो है सेकंड टाइप के, उसमें क्या आते हैं आपके वो गुड्स जो फिजिकली एग्जिस्टेंट हैं, जो जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस है और जो सेलर की ओनरशिप में है जब तक वो एंटर नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट में, जिस वस्तु पर अधिकार है, यानी कि जो वर्तमान गुड है, यानी जो एग्जिस्टिंग गुड्स है वो. ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स आपके सेलर जो है उसका ओनर होता है, उसकी जनरल प्रॉपर्टी होती है उनमें और सेलर के पजेशन में है. ठीक है ना, तो ये गुड्स आपके दो तरीके, आपके ये गुड्स होते हैं तीन तरीके के. सबसे पहला आता है आपका स्पेसिफिक गुड्स, जो गुड्स आइडेंटिफाइड हैं और अग्रीड हो रहा है अपॉन एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स. जो गुड्स आइडेंटिफाई हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए जहाँ पर कोई पर्सन है ए, वो सेल कर रहा है बी को कोई पर्टिकुलर रेडियो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि जॉली का रेडियो है, तो मतलब एक पर्टिकुलर रेडियो का नाम दे दिया, एक डिस्टिंक्टिव नंबर दे दिया, तो एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग. ठीक है, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक. ठीक है, फिर आता है आपका एसर्टेन गुड. एसर्टेन गुड्स ये वो गुड्स होते हैं जो एसर्टेन होता है जब आउट ऑफ अ मास ऑफ अनसर्टेन गुड्स द क्वांटिटी एक्सपेक्टेड फॉर इज आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड फॉर अ गिवन पीरियड. ठीक है, तो ये जब पार्ट जो है गुड्स का लाइंग हो रहा है बल्क में और आइडेंटिफाइड है और अनमार्क्ड है फॉर सेल के लिए, तो ये गुड्स कहलाएंगे आपके अनसर्टेन एसर्टेन गुड्स. ठीक है, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट गुड्स जो कि हैं अनसर्टेन गुड्स. फिर आते हैं आपके अनएसर्टेन गुड्स, ये वो गुड्स हैं जो सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कहलाए जाते हैं आपके अनएसर्टेन गुड्स. ये इंडिकेट किए जाएंगे, डिफाइन किए जाएंगे सिर्फ डिस्क्रिप्शन के द्वारा. जैसे कोई पर्सन है ए और बी, वो अग्री हो गए सेल करने के लिए ए पर्सन बी को एक बैग शुगर का. ठीक है, कितने में से, आउट ऑफ 100 बैग में से. तो ये वो उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा बैग डिलीवर करना होना है, कोई पर्टिकुलर बैग का नाम मेंशन नहीं, कोई हमने पर्टिकुलर बैग सेपरेट नहीं किया डिलीवरी के लिए. तो ये बन जाता है आपका एसर्टेन गुड्स, मतलब कोई अनएसर्टेन गुड्स है. मतलब यहाँ पर ना कोई पर्टिकुलर गुड्स का नाम का जिक्र नहीं है कि हमें इसी प्रोडक्ट यही वाला करना है. उनके पास 100 बैग्स थे शुगर के, अब उसने एक बैग डिलीवर करना है, एक बोरी या एक बैग उसे डिलीवर करना है पार्टी बाई को. तो उनमें से उसने कोई अलग छांट के तो रखी नहीं, उसने अपनी जो बल्क में जो सामान था उसमें से उठा के दे दी, तो ये हुआ आपका अनएसर्टेन गुड्स. ठीक है, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट जो कि है कंटिंजेंट गुड्स. ये वो गुड्स होते हैं जो एक्विजिशन होती है जिनकी सेलर के द्वारा जो डिपेंड करेगी कंटिंजेंसी पे. ठीक है, विच मे और मे नॉट हैपन के, मतलब ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, जैसे कोई पर्सन है एक्स, वो अग्री कर रहा है सेल करने के लिए बाई को क्रॉप्स को जो ग्रोन हुई जेड के फार्म पे हरियाणा में 2000 में 100,000 रुपए में, जहाँ पर जेड जो है सेल कर देता है सेम चीज़ एक्स को. तो ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ कंटिंजेंट गुड्स में, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी जो क्रॉप की है वो डिपेंड कर रही है सेल बाई जेड पे. मतलब एक्स ने बाई को ये तो बोल दिया कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा या जो भी सेल करूंगा जो जेड के फार्म में हो रहे हैं. मतलब इसमें तीन पार्टी हो गई, एक्स वाई जेड. एक्स ने बोला बाई को कि मैं सेल करूंगा तुम्हें उन क्रॉप्स को जो जेड के फार्म्स में हो रही है, तो डिपेंड किस पे कर रही है, सिचुएशन कर रही है जेड के ऊपर. जेड अगर नहीं बेचेगा उसे तो एक्स कैसे उसे ट्रांसफ़र करेगा बाई को. ठीक है, तो ये हुए आपके जो फसल है जो क्रॉप है जो जिसके रिगार्डिंग इसने इसको एग्री हुआ जो एक्स उसे सेल करने के लिए बाई को, तो जो गुड्स हुआ
वो कहलाया आपका कंटिजेंट गुड्स, यानी कि जो क्रॉप्स हुई, जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो आपकी कहलाएं कंटिजेंट गुड्स इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हुए आपके कंटिजेंट गुड्स। तो ये थे आपके गुड्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम एक बार गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा कंटेंट्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले हमने पढ़ा गुड्स के बारे में कि गुड्स किसी भी तरीके के मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, और जो इंक्लूड होती हैं आपकी स्टॉक में, शेयर्स में, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, और वो चीज़ जो अटैच हो रही है फॉर्म करने में, जो पार्ट है किसी ज़मीन का, ठीक है। ये है कि गुड्स का मतलब होता है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड द फॉलोइंग, जो स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग जो अटैच हो रही है फॉर्म करने में, जो लैंड का पार्ट है, जो अग्रीड टू बी सर्व्ड है बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए आपके गुड्स के ओल्ड रेयर कॉइन्स, स्टॉक, शेयर्स, डिवेंचर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, घास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्रीज टू बी कट एंड देयर लॉग वुड डिलीवर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। ये हैं आपके टाइप्स ऑफ गुड्स, फ्यूचर गुड, एग्जिस्टिंग गुड, कंटिजेंट, स्पेसिफिक गुड, एसर्टेन, अनएसर्टेन। ये आपके फ्यूचर गुड्स वो जो मैन्युफैक्चर हुए, प्रोड्यूस हुए, एक्वायर्ड हुए सेलर के द्वारा आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फिर आपके एग्जिस्टिंग गुड्स जो अभी तक फिजिकल एग्जिस्टेंस में है ओनर के, स्पेसिफिक गुड्स जिसके टाइप्स होते हैं, एसर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स और कंटिजेंट गुड्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।